आज हम दैनिक अग्निहोत्र के मंत्रों के ऊपर थोड़ा संक्षेप से विचार करेंगे। महर्षि दयानंद जी ने पंचमायज विधि में दैनिक अग्निहोत्र के मंत्रों का अर्थ किया है और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में भी जहाँ पंचमायज विधि का प्रकरण है वहाँ पर दैनिक अग्निहोत्र की जो प्रातःकालीन और सायंकालीन आहुतियाँ होती है उनके अर्थ किए हैं। यज्ञ को करते समय मंत्रों का प्रयोग किया जाता है और मंत्र बोलकर आहुतियाँ दी जाती है, इससे अनेक प्रयोजन सिद्ध होते हैं। मंत्रों को बोलने से वेदों की रक्षा होती है, मंत्रों के अंदर जो अर्थ है उनको जानने से अग्निहोत्र करने के जो लाभ हैं वो विदित होते हैं, और प्रातःकाल सायंकाल में जो मंत्रों से आहुतियाँ देते हैं उन मंत्रों के अंदर ईश्वर के अनेक नाम हैं, तो उन अनेक नामों के माध्यम से ईश्वर के अनेक गुण कर्म स्वभावों का बोध होता है, उससे ईश्वर में प्रीति होती है। उन आहुतियों में प्रार्थनाएं हैं, ईश्वर से प्रार्थनाएं की गई है, और जब आहुतियों के माध्यम से हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो उससे अभिमान का नाश होता है। इस प्रकार से मंत्र पूर्वक आहुतियाँ देनी चाहिए। महर्षि दयानंद जी ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में संभवतः पठन पाठन विषय में एक बात लिखी है कि मंत्र को ना बोलने से बोलने वाले से मंत्र को बोलने वाला उत्तम है, और जो मंत्र को बोलने के साथ साथ उसका अर्थ भी करता है वो उत्तमतर है, और जो मंत्र बोलने के साथ अर्थ भी करता है और उस अर्थ के अनुसार क्रियाकलाप भी करता है तो वो उत्तमतम है। प्रातःकालीन आहुतियों में पहला मंत्र है सूर्यो ज्योतिर्ज्योति ही सूर्य है स्वाहा। दो बार सूर्य शब्द आया है, ये परमेश्वर के लिए है। पहला सूर्य शब्द का अर्थ किया है परमेश्वर चर और अचर जगत का आत्मा है, अर्थात अत सातत्य गमने धातु से आत्मा शब्द बनता है। ईश्वर समस्त चर और अचर जगत के अंदर निरंतर व्याप्त हो रहा है। और दूसरा जो सूर्य शब्द का अर्थ किया है सबका प्राण, अर्थात ईश्वर व्याप्त तो है ही चर अचर जगत के अंदर, वो उनके जीवन का आधार भी है। फिर ज्योतिर्ज्योति ही, ज्योतिर्ज्योति का अर्थ किया है जो परमेश्वर प्रकाशकों का प्रकाशक है। मन भी प्रकाशक है, वो अपने विषयों सुख दुख को प्रकाशित करता है। इंद्रियां भी प्रकाशक हैं, वो अपने अपने विषयों को प्रकाशित करती हैं। इसी प्रकार से अग्नि भी प्रकाशक है, वो दूसरे पदार्थों को प्रकाशित करती है, दिखाती है। सूर्य भी प्रकाशक है, ये जितने भी प्रकाशक पदार्थ हैं इनको ईश्वर बनाने वाला है, ज्योतिर्ज्योति। ऐसे परमेश्वर के लिए स्वाहा, हम ऐसे परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए उसकी आज्ञा पालनार्थ संसार के हित के लिए ये आहुति देते हैं, ये पहले मंत्र का अर्थ। दूसरा मंत्र है सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। यहाँ पर भी सूर्य शब्द का वही अर्थ कर लेंगे, चर अचर का आत्मा और जो सब चर अचर के जीवन का आधार है। वर्चः ये परमेश्वर का नाम है जो अनंत विद्याओं से युक्त है। ज्योतिर्वर्चः जो परमेश्वर ज्योति अर्थात विद्वानों को अंतर्यामी रूप से सत्य का उपदेश करता है, ऐसे परमेश्वर को स्वाहा अर्थात उसको प्रसन्न करने के लिए उसकी आज्ञा पालनार्थ और संसार के हित के लिए हम ये आहुति देते हैं। तीसरा मंत्र कौन सा है परमानंद जी? ज्योति ही सूर्य सूर्यो ज्योति ही स्व। तो ज्योति का अर्थ है स्वयं प्रकाश,
सूर्य का अर्थ है प्रकाशक, सारे संसार को प्रकाशित करने वाला अर्थात बनाने वाला, सूर्यो ज्योति, और जो सूर्य आदि जगत को बनाने वाला है ऐसे परमेश्वर के लिए स्वा, स्वा शब्द का वही अर्थ करेंगे जो पहले किया है। चौथा मंत्र प्रातःकालीन आहुति में, सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। सजुर देवेन सवित्रा, सजुर का अर्थ होता है साथ, जो सब जीवात्माओं के साथ विद्यमान है और सूर्य आदि लोकों के साथ विद्यमान है, ऐसा जो परमेश्वर है। सजो ऋषसेन्द्रवत्या, इंद्रवत्या जो इंद्र वाली है, वायु वाली है, कौन? उषा, दिन। तो वायु से युक्त जो दिन है, वायु वाला जो दिन है, उसके साथ विद्यमान होता हुआ जो परमेश्वर दिन और उससे युक्त वायु के माध्यम से सारे संसार का उपकार करता है, ऐसे परमेश्वर के लिए। सजुर देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। वो परमेश्वर जुषाणः, जोशी प्रीति सेवनेव धातु है, सबसे प्रीति करने वाला है, सबसे प्रेम करने वाला है, ऐसा परमेश्वर हमें विदित हो, अर्थात विद्या आदि गुणों में हम विज्ञान से युक्त हों, अनेक गुण गुणों के विषय में हमें विज्ञान प्राप्त हो, इसलिए हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, संसार के हित के लिए ये आहुति देते हैं। सूर्यो वेतु स्वाहा, वेतु स्वाहा का क्या अर्थ किया मनु जी? हाँ जी, मेधाव्रत जी, वेतु स्वाहा, वेतु का क्या अर्थ किया? ऐसा परमेश्वर हमें विदित होवे, अर्थात उसके गुण कर्म स्वभाव हमें विदित होवे, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों के विषय में हमें विज्ञान प्राप्त हो, इसलिए यह हम आहुति देते हैं। जब ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों के विषय में विज्ञान प्राप्त होगा, अथवा दूसरे शब्दों में कहें कि जब ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव हमें समझ में आएंगे, तब हम उनको धारण करेंगे, तब हमारी ईश्वर में सच्ची प्रीति उत्पन्न होगी। और जब तक ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव समझ में नहीं आए, तब तक धारण करने की प्रक्रिया भी प्रारंभ नहीं होगी और सच्ची प्रीति भी उत्पन्न नहीं होगी। फिर रात्रिकालीन मंत्र, अग्निर्ज्योतिर्ज्योति ही अग्नि स्वाहा। अग्नि का अर्थ किया है ज्ञान स्वरूप, और दूसरी बार जो अग्नि शब्द आया उसका अर्थ किया है ज्ञान प्रद, जो परमेश्वर ज्ञान वाला है और ज्ञान को देने वाला है। ज्योतिर्ज्योति, ज्योतिर्ज्योति का वही अर्थ है प्रकाशकों का, जो प्रकाशक है, ऐसे परमेश्वर के लिए स्वाहा, स्वाहा शब्द का वही अर्थ हो जाएगा, संसार के हित के लिए उसकी आज्ञा पालनार्थ ये हम आहुति देते हैं। अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। अग्निर जो परमेश्वर ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान को देने वाला है, वर्चः अनंत विद्याओं से युक्त है, ज्योतिर्वर्चः और जो हमें सब विद्याओं को देने वाला है, उन विद्याओं का हमसे प्रचार कराने वाला है, ऐसे परमेश्वर के लिए स्वाहा ये हम आहुति देते हैं। तीसरे मंत्र का भी वही अर्थ हो जाएगा जो पहले मंत्र का किया है, अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि, ज्ञान स्वरूप, ज्ञान को देने वाला, प्रकाशकों का प्रकाशक, ऐसे परमेश्वर के लिए स्वाहा। और रात्रिकालीन या सायंकालीन चौथे मंत्र है सजुर देवेन सवित्रा सजुर रात्रेन्द्र वत्या। जो परमेश्वर देवेन प्राणों के साथ विद्यमान है, शरीर के अंदर जो हमारे प्राण चल रहे हैं, ईश्वर उनके अंदर व्याप्त है, सजु रात्रेन्द्रवत्या, और जो चंद्रमा से युक्त जो रात्रि है, अथवा वायु से युक्त जो रात्रि है, अथवा जो हमारी मानसिक चित्त की वृत्तियां हैं, उनके साथ जो परमेश्वर विद्यमान है, सजु रात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। वो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होकर, प्रीतः सन, ऐसा परमेश्वर हमसे प्रसन्न होकर, वेतु जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा, वो हमारे लिए मोक्ष की कामना करे, वो हमारे लिए मोक्ष चाहे, इसलिए हम ये आहुति देते हैं। ईश्वर ने मोक्ष चाहा तो मोक्ष ऐसे व्यक्ति का हो जाएगा।
फिर मंत्र है, आपो ज्योति रसो मृतम ब्रह्म भूर भुवः स्वरो स्वाहा। इस मंत्र के अंदर भी परमेश्वर के नाम है, आपो जो परमेश्वर सर्वव्यापक है, प्राण रूप है, अप का अर्थ प्राण भी होता है, सब सब जगत के जीवन का आधार है, ज्योति जो ज्ञानी है, रसो अमृतम जो आनंद स्वरूप है, मोक्ष स्वरूप है, अमृतम अविनाशी है, ब्रह्म सबसे बड़ा है, भूर भुवः स्वरूप स्वाहा। ऐसे परमेश्वर को प्राप्त होकर हम तीनों लोकों में स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करें, इसलिए ये हम आहुति देते हैं। फिर अंतिम मंत्र, दूसरे मंत्र भी आते हैं, जैसे ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुर, इसका अर्थ हो जाएगा कि हे परमेश्वर, आप हमारे सभी दुर्गुण दुर्व्यसनों को दूर कर दीजिए, जो हमारे लिए कल्याणकारक पदार्थ हैं वो हमें प्रदान कीजिए, इसलिए हम ये आपको प्रसन्न करने के लिए आहुति देते हैं कि आप हमें ये दूर करिए, ये प्रदान करिए। याम मेधाम देवगणः, ये मंत्र भी बोलते हैं, तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा कि जो मेधा बुद्धि देवों के पास है, पितरों के पास है, वो मेधा बुद्धि हमें आज ही प्राप्त होवे, आज ही हम उनके प्रति श्रद्धान्वित होके उनके अनुकूल चलने लगे, इसलिए ये हम आहुति देते हैं। इसी प्रकार से अग्ने नय सुपथाराय मंत्र है, कि इसका अर्थ हो जाएगा कि हे परमेश्वर, आप हमें वेदोक्त मार्ग से ले चलिए, इसलिए हम आपको प्रसन्न करने के लिए आहुति देते हैं, आप हमारे कुटिलता युक्त पाप कर्मों को दूर कर दीजिए, इसलिए ये हम आहुति देते हैं। और अंत में पूर्ण आहुति का मंत्र है, सर्वम वही पूर्णम स्वाहा। क्या अर्थ है इसका, कौन बताएगा? सर्वम वै पूर्णम स्वाहा का अर्थ आपकी कृपा से जो भी परोपकार के कार्य हम करते हैं वो परोपकार में समर्थ हो, इसके लिए हम ये आपकी देते हैं। आपकी कृपा से, अर्थात आपके दिए साधनों से, प्रेरणा से, जो हमने ये परोपकार का कार्य किया यज्ञ का, ये आपकी कृपा से परोपकार करने में समर्थ होवे, इसलिए हम ये आहुति देते हैं। मतलब कि इसको यदि हम व्यापक रूप में ले लें, कि हम व्यवहार के अंदर जो भी परोपकार का कार्य करते हैं, वो परोपकार का कार्य हमारा सफल हो, वो परोपकार का कार्य परोपकार करने में समर्थ हो, उससे दूसरों के दुख दूर हो, दुराचार दूर हो, इसलिए हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहिए, उसके अनुकूल चलना चाहिए। महर्षि दयानंद जी ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में जहाँ प्रश्नोत्तर विषय है, वहां पर दो प्रकार के परोपकार बताए हैं। एक आत्मा का उपकार करना और दूसरा शरीर का उपकार करना। परोपकार के दो विभाग हो जाते हैं, एक शरीर का उपकार करना और दूसरा आत्मा का उपकार करना। ये तो हम यज्ञ करते हैं, इससे दूसरे प्राणियों का उपकार होता है, आप जानते हैं, तो ये कौन सा उपकार है, शरीर का उपकार है या आत्मा का उपकार है? ये शरीर का उपकार है, क्योंकि इससे जलवायु शुद्ध होते हैं, और शुद्ध जलवायु के सेवन करने से प्राणियों के रोग दूर होते हैं, अथवा वो रोगों को प्राप्त नहीं होते। और दूसरा होता है आत्मा का उपकार, और आत्मा का उपकार के विषय में ऋषि दयानंद ने लिखा है कि विद्या आदि गुणों से आत्मा का उपकार होता है। जब हम दूसरे को विद्या देते हैं और उस विद्या को प्राप्त करने से उसका ज्ञान विज्ञान बढ़ता है, उसकी समस्याओं का समाधान होता है, दुर्गुण दूर होते हैं, अच्छे अच्छे गुणों को वो धारण करता है, तो ये आत्मा का उपकार है। तो इन दो प्रकार के उपकारों को परमेश्वर भी कर रहा है। परमेश्वर ने सूर्य बनाया, पेड़ पौधे बनाए, ये जलवायु को शुद्ध कर रहे हैं, ये शरीर का उपकार हो रहा है, इससे सभी प्राणियों का जीवन चलता है, शरीर सभी प्राणियों के स्वस्थ रहते हैं शुद्ध जलवायु के सेवन से। और दूसरा, ईश्वर ने आत्मा के उपकार के लिए वेद विद्या दी, और वेद विद्या को ग्रहण करके अनेक मनुष्य अपने जीवन को सुधार के उन्नत करते हुए मोक्ष प्राप्त करके ईश्वर के आनंद को प्राप्त करते हैं। तो जैसे परमेश्वर दोनों प्रकार के उपकार कर रहा है, शरीर का उपकार भी कर रहा है और विद्या के दान से आत्मा का उपकार भी करता है, वैसे ही हमें भी यथाशक्ति दोनों प्रकार के उपकार करने चाहिए। व्यवहार के अंदर हम देखते हैं, जो चिकित्सक हैं अथवा अनाथों का पालन करने वाले हैं, जो दरिद्रों को दान आदि देते हैं, आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं, तो वो एक प्रकार से शरीर का उपकार कर रहे हैं, ठीक है ना, उनके रोगों को दूर कर रहे हैं, उनको स्वस्थ कर रहे हैं।
और दूसरे जो विद्वान हैं, धार्मिक हैं, जो धर्म का प्रचार करते हैं, विद्या का प्रचार करते हैं, जिससे कि दूसरे मनुष्य सुधरते हैं, उनका जीवन धार्मिक बनता है, विद्वान बनते हैं, उन्नत होते हैं, तो ये आत्मा का उपकार है। तो ये मंत्रों के अर्थ हो गए, दैनिक जो प्रातःकालीन और सायंकालीन मंत्र बोलते हैं, यहीं तक। ओम ओम भूरा।